नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपीपीसीएस का जो प्री का एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में होना संभावित बताया गया था। 27 अक्टूबर को जो है प्री का एग्ज़ाम होना था यूपीपीसीएस का, बट अब किन्हीं कारणों की वजह से यूपीपीसीएस आयोग के द्वारा जो है प्री एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है और न्यू डेट यहाँ पर बता दी गई है। एग्जैक्ट डेट अभी नहीं बताई है, सिर्फ मंथ बताया है। तो जिन जिन बच्चों ने यूपीपीसीएस प्री का जो है एग्ज़ाम देने वाले थे अक्टूबर में, तो उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट जानकारी है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया, प्रयागराज, दिनांक 16 अक्टूबर 2024। अभी कुछ देर पहले ये नोटिस जारी किया गया। यहाँ पर बताया गया है कि सूचित किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 19/6/2024 के बिंदु 7.1 में प्रावधानित व्यवस्था के आलोक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रक्रिया का विनियमन अधिनियम 1985 में संशोधन के दृष्टिगत आयोग के परीक्षा कैलेंडर दिनांक 3/6/2024 के अनुसार दिनांक 27 अक्टूबर 2024 को आयोजित होने वाली सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 को स्थगित की जाती है। तो ये जो यूपीपीसीएस परी की एग्ज़ाम डेट थी 27 अक्टूबर को निर्धारित की गई थी। यूपीपीसीएस 2024 का प्री का एग्ज़ाम 27 अक्टूबर को होना संभावित बताया गया था, बट अब इस एग्ज़ाम को जो है पोस्टपोन कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। उक्त परीक्षा आगामी दिसंबर माह के मध्य तक आयोजित किया जाना संभावित है। तो अब जो न्यू एग्ज़ाम डेट रखी गई है वो दिसंबर के महीने में रखी जानी है, दिसंबर के माह के मिड में आपकी एग्ज़ाम डेट आने वाली है। शासनादेश दिनांक 19/6/2024 के अनुपालन में जनपदों से मानक के अनुरूप परीक्षा केंद्र प्राप्त होने पर परीक्षा के आयोजन की तिथि व कार्यक्रम के संबंध में अभ्यर्थियों को शीघ्र ही विज्ञप्ति के माध्यम से अलग अवगत करा दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे बता दिया गया है। एग्जैक्ट डेट आपको कुछ समय के बाद जो है वो बता दिया जाएगा। जो अब आपकी न्यू एग्ज़ाम डेट है वो कब रखी गई है, तो वो रखी गई है 15 से 25 में आपकी जो है एग्ज़ाम डेट रखी गई है, और 15 से 25 के बीच में जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो आप अपनी तैयारी करते रहें। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यूपीपीसीएस का जो नोटिफिकेशन है 2024 का रिलीज़ किया गया था। टोटल जो इसके अंदर पोस्ट थी वो 220 पदों पर जो है ये भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था, और आप सभी इसकी जो है तैयारी भी कर रहे थे। 220 पदों पर ये जो है नंबर ऑफ वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया था। तो अब जो है 2 महीने और आपको मिल गए हैं, तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, लगातार तैयारी करते रहें। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सके हैं। तो 15 से 25 दिसंबर 2024 के बीच में जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा यूपीपीसीएस परी का। परी में 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक तो होता है आपका जीएस का और एक होता है सीसेट का। तो जो कट ऑफ बनती है वो जीएस के आधार पर बनती है, जो सीसेट होता है वो आपका ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। सिर्फ आपका जो जीएस का कट ऑफ बनती है वो जीएस के पेपर के आधार पर बनती है, और जो ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है उसमें जीएस के मार्क्स नहीं ऐड होते। प्री का जो है बस मेंस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करने के लिए इस जीएस की जो है कट ऑफ बनती है। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, लगातार तैयारी करते रहें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी इंपॉर्टेंट जानकारी, सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ, सारी इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।